नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए गए अरुणाचल रत्न, स्वर्ण और रजत पुरस्कार। मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग को मरणोपरांत प्रदान किया गया अरुणाचल रत्न सम्मान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई शिक्षा नीति की सराहना, कहा सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल पर राज्य की कला संस्कृति और इतिहास को शामिल करने पर देगी जोर। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अरुणाचल के लिए पीएमजीसीवाई की शर्तों में ढील का किया आग्रह। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ईटानगर के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित मातृभाषा दिवस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई सदस्यों ने लिया हिस्सा। राजधानी ईटानगर में स्थित राजभवन के दरबार हॉल में कल राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य पुरस्कार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए अरुणाचल रत्न, स्वर्ण और रजत पुरस्कार प्रदान किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तवांग जिले के लोगों की सेवा के लिए मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग को मरणोपरांत राज्य के सर्वोच्च सम्मान अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके तहत 5,00,000 रुपए नकद और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जिसे उनके बड़े बेटे रिटायर्ड आईआरएस श्री जॉन खातिंग ने स्वीकार किया। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा, सामाजिक कार्य, कला और अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य के 33 व्यक्तियों को गोल्ड मेडल और 29 लोगों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य पुरस्कार समारोह में प्रदेश की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र की नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि अरुणाचल सरकार प्राइमरी लेवल पर राज्य की कला और परंपरा और मिडिल स्कूल लेवल पर राज्य के इतिहास को शामिल करने पर जोर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेते हुए श्री खांडू ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के इतिहास और कला को शामिल किया जाना चाहिए। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में त्वरित विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। नीति आयोग की बैठक में आत्मनिर्भर भारत मिशन पर श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्र पर प्राथमिकता देते हुए राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लागू की जा रही क्लस्टर फार्मिंग और नेशनल न्यूट्रिशनल किचन गार्डन योजना की चर्चा करते हुए केंद्र सरकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सड़कों सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का त्वरित गति से विकास हो रहा है। उन्होंने केंद्र से अरुणाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई की शर्तों में ढील देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 147 गांवों को अभी भी सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है और पीएमजीएसवाई की शर्तों में ढील मिलने से इन्हें अगले कुछ वर्षों में सड़क से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया के तहत राज्य के 1683 गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ने की केंद्र की योजना की सराहना करते हुए इस परियोजना का समय पर पूरा करने का आग्रह किया है। भारत चीन सीमा के पास स्थित लोअर दिबांग वैली जिले के देसाली गांव में पहली बार राज्य स्थापना दिवस में विधायक मौजूदी थी। जिला उपायुक्त केसांग गुरुप दामो, पुलिस अधीक्षक जेम्स के लगो सहित कई पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन द्वारा दूर दराज के इलाकों में विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा है कि सुदूर गाँव देसाली में जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों के दौरे से स्थानीय लोगों की जरूरतों को समझने और विकास योजना के अमल को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। नया सीओ हेडक्वार्टर नहीं है, देजाली के अगेंस्ट में जरूर डॉक्टर्स या बाकी स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ जरूर होंगे, इसको हम लोग पता लगाएगा। इसके अगेंस्ट में जो स्टाफ दूसरा जगह में अटैचमेंट किया है तो वहां से विड्रॉ करके यहां पर हम लोग को लाना पड़ेगा। इसके लिए एमएलए साहब, टीएमओ साहब और मैं,
हम लोग रोइंग में बात करेंगे, जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ व्यवस्था करने का हम लोग जरूर कोशिश करेगा, ताकि जो बिल्डिंग बन चुका है उसका भी सुरक्षित रहे और लोगों को ट्रीटमेंट भी यहाँ से मिले। बाकी जो है लोअर दिबांग वैली जिले के सुदूर गांव हुनली देसाली के दौरे पर पहुंचे विधायक मुचुमिथी, जिला उपायुक्त के एंदामो और पुलिस अधीक्षक जेम्स के लगों ने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोपो ब्रिज हुनली में नए सेकेंडरी स्कूल भवन का उद्घाटन किया और जुमू पानी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कार्यों से आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों या पर्यटकों के ठहरने के लिए नवनिर्मित आईबी का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक मुचुमिथी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सड़क, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। ये सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो स्कीम बना, द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कीम इज 29 करोड़ एंड देयर आर 3 ब्रिजेस इन इट। सो वी एंटिसिपेट दैट द ब्रिज एंड द रोड्स विल बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर मोर। और सिंस वी हैव ऑलरेडी informed that this is strategically very important for the administration also to provide services at the last border of हमारे जो Tibet border है वहाँ पर जैसाली जो circle है यहाँ तक services यही सुविधा ही है, lifeline यही है। तो we anticipate कि once this total road is completed लोगों का जो तकलीफ महसूस हो रहा जो भी हो रहा उनका समाधान हो जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2015 से आज के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस अवसर पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ईटानगर के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित मातृभाषा दिवस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। For all the nations to make a provision for mother language celebration internationally. And this February 21, this has been since 1999, it has been observed. देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाने के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 97.25% है। कल 11,667 लोग कोविड से स्वस्थ हुए और 14,264 नए मामले सामने आए। देश में कोविड के 1,45,000 सक्रिय मामले हैं और पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 90 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्यभर में कल कोविड जांच के लिए 226 सैंपल एकत्रित किए गए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में ट्रेनों का सामान्य परिचालन बहाल होने का सिलसिला जारी है। तिनसुकिया रेल डिवीजन के DRM विजय कुमार मिश्रा ने बताया है कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जाने वाली ट्रेन संख्या 05906 आगामी 27 फरवरी से साप्ताहिक आधार पर चलना शुरू होगी। 4,229 किलोमीटर का यह रेल मार्ग भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लंबा ट्रेन है। क्रीड़ा भारती अरुणाचल प्रदेश द्वारा ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लेकी विलेज में आयोजित नेशनल पार्कर एंड फ्री रनिंग प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत राज्य के खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। विधायक मुचुमिथी ने कहा है कि दूर दराज के इलाकों के सड़कों से जुड़ने के बाद विकास योजनाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिलेगा। कल लोअर दिबांग वैली जिले के
देसाली में रह उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए श्री मिथी ने कहा है कि सड़कों से जुड़ जाने के बाद क्षेत्र के कृषि और बागवानी उत्पादों के विपणन में सुविधा होगी और लोगों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अपील की। जो दिलाली पे जो कंडीशंस है, आपके जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, आपके जो स्कूल्स के बारे हैं, आपके जो मेडिकल सुविधा के बारे हैं, कल हम लोगों ने मिलजुल कर प्रशासन के साथ आपके पंचायत मेंबर्स, यहाँ के युवाओं, यहाँ के ग्राम पंचायत मेंबर्स, यहाँ के गांव बुढ़ा लोगों के साथ मिलजुल कर हम लोगों ने बातचीत किया। ये बातचीत केवल एक सिंबॉलिक बातचीत नहीं, ये बातचीत को आगे बढ़ने के लिए मैं दरखास्त करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर एक बार डिपार्टमेंट के साथ जो जो समस्या है तो काइंडली आप एक मीटिंग कीजिए कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को समाधान करें, और हो सकने से मुझे भी बुला दीजिए इस मीटिंग पर कि कैसे हम जल्द से जल्द सुविधा यहाँ पहुँचा सके। आपको ये भी सलाह देता हूँ कि ज़्यादा दारू भी मत पीजिए और कानी तो एकदम जरूर मत खाइए। आप समझ रहा है, कानी केवल आपके परिवार को नहीं लेकिन पूरी आपके आपके कम्युनिटी को बर्बाद करता है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोगीबिल पुल का उद्घाटन किया था। आज पुल के आसपास का इलाका इको टूरिज्म के लिए फेमस है, विकसित होता जा रहा है और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट आज आसपास के इलाकों के साथ दूसरे राज्यों के पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। पेश एक रिपोर्ट। एक पुल किसी क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदल सकता है, इसका उदाहरण है डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ने वाला बोगीबिल पुल। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल को देश को समर्पित किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि यह पुल इको टूरिज्म में मील का पत्थर साबित होगा। उनका यह कथन आज डिब्रूगढ़ के धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है जिसके लिए रेलवे ने जमीन उपलब्ध करवाई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरते रेस्टोरेंट में आने वाले पर्यटकों की संख्या ये बताती है कि लोग कितना इसे पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सेरीन है, इतना पीसफुल है, तो घूम के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही डेवलपमेंट हुआ और बहुत ही अच्छा ये अभी बना है, पहले से बहुत बेटर हुआ है और यहाँ पे धीरे धीरे टूरिस्ट भी आ रहे हैं और आना चाहिए, तभी इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। रेलवे बोगीबिल पुल के आसपास इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ काम कर रहा है। इससे आसपास के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मोदी जी ने ये पुल इनॉग्रेट करने का बाद इस जगह का जो नेचुरल ब्यूटी के साथ जो हम लोग का मॉडर्नाइजेशन का जो न्यू एक नया एक हमारा सामने एक ब्रिज दिखाई पड़ा सबको, इस जगह का माहौल कुछ बदल गया। इसमें जो इस एरिया में बहुत सारा यूथ को अभी तक आपका रोजगार नहीं मिल रहा था, तो ये प्रोजेक्ट का थ्रू जैसे कि हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सैर के साथ उसके ऊपर लजीज खाने का मजा आपकी यात्रा को रोमांच से भर देता है। दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ यहाँ के लोगों की जीवन रेखा ही नहीं है बल्कि इस नदी के आसपास इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ कम समय और कम लागत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। यहाँ काम करने वाले और घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या इस बात के सबूत है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।